नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। डेविड वार्नर को आईपीएल 2021 में बल्ला खामोश रहने के चलते सबसे पहले सनराइज हैदराबाद की कप्तानी गंवानी पड़ी और बाद में प्लेइंग 11 में भी वार्नर को जगह नसीब नहीं हुई। जिस टीम की अगुवाई वार्नर ने 5 साल तक की और 2016 में टीम को चैंपियन भी बनाया, उसी हैदराबाद की टीम के डगआउट में भी वार्नर को शामिल नहीं किया जा रहा था। इसी वजह से दुखी डेविड वार्नर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर ये संदेश दिया है कि वो अब हमेशा के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अपने आखिरी लीग मुकाबले में आईपीएल 14 के सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई के खिलाफ उतरी, तो उसी वक्त जब प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ तो वार्नर ने पोस्ट करके ये ऐलान कर दिया और संदेश दिया कि अब वो इस टीम के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। वार्नर ने अपनी पोस्ट में लिखा, सभी यादों के लिए धन्यवाद, सभी प्रशंसकों का शुक्रिया। आप हमारी टीम के लिए हमेशा 100% देते रहे। आप फैंस हमारी शक्ति रहे। आप सब द्वारा दिखाए गए समर्थन के लिए मैं आप सभी को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यह एक शानदार सफ़र रहा है। मैं और मेरा परिवार आप सभी को याद करते रहेंगे। हैदराबाद के लिए आज एक आखिरी प्रयास। वहीं डेविड वार्नर के करियर की बात करें तो उन्होंने आईपीएल करियर में अभी तक 150 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5,449 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज 41.59 का रहा है और स्ट्राइक रेट 139.96 का रहा है और 126 रन की पारी उनकी सबसे शानदार पारी रही है। उनके बल्ले से आईपीएल में 4 शतक और 50 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं मौजूदा सीजन में डेविड वार्नर ने 8 मैच खेलते हुए 195 रन बनाए। इस दौरान इस सीजन में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले और वो खराब फॉर्म से जूझते रहे, इसीलिए पहले फेज में उनकी कप्तानी छीनी गई और दूसरे फेज में उन्हें टीम के प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया गया। आज जब आखिरी बार सनराइज हैदराबाद खेलने उतरी तो वार्नर को उम्मीद थी कि उनको आज के मैच में खिलाया जाएगा, लेकिन टीम ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, जिसके बाद डेविड वार्नर ने टीम छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैप्शन लिखा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि डेविड वार्नर अब इस टीम के साथ कभी भी नज़र नहीं आएंगे। फिलहाल डेविड वार्नर के सनराइज हैदराबाद के करियर जो उनके साथ समाप्त कर रहे हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।